हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सीए रुचि गोयल। आज मैं आपके साथ बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट शेयर करने वाली हूं। ये अपडेट है ऑन फॉर्म GSTR4, जो कि रिटर्न होती है, एनुअल रिटर्न होती है। ये रिटर्न की ड्यू डेट जो थी वो थी 15 जुलाई 2020, जो कि बस आने ही वाली थी। इस पे एक नया अपडेट आया है CBIC से। आइए चलते हैं CBIC के अपडेट की और एक ट्वीट आया है CBIC का, जिसमें CBIC ने बोला है कि रिप्रेजेंटेशंस हैव बीन रिसीव्ड ऑन नॉन अवेलेबिलिटी एंड एक्सटेंशन ऑफ डेट ऑफ फॉर्म GSTR4 फाइनेंशियल 1920। मतलब वो सोच रहे हैं GSTR4 की ड्यू डेट को एक्सटेंड करने का, जो कि 15 जुलाई 2020 थी। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि GSTR4 किसके लिए होता है। GSTR4 जो होता है वो एनुअल रिटर्न होती है कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स की, जिसकी ड्यू डेट फाइनेंशियल ईयर 1920 की थी, 15 जुलाई 2020। जो डीलर्स ऑप्ट करते हैं कॉम्पोजिशन स्कीम में, उनको फर्निश करना होता है सिर्फ वन रिटर्न, जो कि GSTR4 होती है, और ये वंस इन अ ईयर जाती है। मतलब ये एनुअल रिटर्न होती है। ओरिजिनल ड्यू डेट 30 सितंबर 2020 थी, बट एक नोटिफिकेशन आया था CBIC का 3 अप्रैल को, जिसके थ्रू ड्यू डेट एक्सटेंड होकर 15 जुलाई 2020 हो गई थी। अब फर्दर इस ड्यू डेट को एक्सटेंड किया जाएगा, और रीजन ये दिया गया है कि पोर्टल पे अभी तक ये फॉर्म अवेलेबल ही नहीं है। GSTR फॉर्म ही नहीं है पोर्टल में अभी तक, और इतने सारे टैक्स पेयर्स इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूट होते हैं, अपलोडिंग करने में टाइम लगेगा, उसको फिल करने में टाइम लगेगा, इसलिए पॉसिबल नहीं है फॉर्म को आना और 15 जुलाई तक सबमिट करना। ये भी मैं आपको बता दूं कि जो लेट फी होती है, अगर आप टाइम से GSTR4 नहीं भरते हो, तो वो होती है 200 per day की। जी हाँ, 200 per day फॉर एनी डिले फ्रॉम द ड्यू डेट, और ये मैक्सिमम अप टू 25,000 भी चार्ज होती है। इसलिए बहुत सारी ड्यू डेट एक्सटेंड हो रही है, उसके साथ साथ ये भी एक्सटेंड हुई होगी, आगे एक्सटेंड होगी। नई डेट क्या आएगी वो अभी तक बताया नहीं क्या है, वो भी जल्दी से अपडेट आ जाएगा। बट फॉर नाउ जितने भी कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स थे, उनके लिए बहुत बड़ा रिलीफ है। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, आप रिलीफ ले सकते हैं। डेट एक्सटेंड हो गई है, 15 जुलाई ड्यू डेट नहीं है अभी, ड्यू डेट नहीं एक्सटेंड हुई है, वो बताई जाएगी बहुत जल्द ही। आप अपना काम कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। ड्यू डेट एक्सटेंड होगी, बाय देन आप रिटर्न इजिली फाइल कर सकते हैं। किसी और अपडेट के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारे चैनल को, इसी तरह हमारे अपडेट्स लेते रहिए। थैंक यू।